हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज हम लोग कवर करेंगे मस्ट का यूज़। ठीक है, तो मस्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लाइजेशन कंपल्सन नेसेसिटी ईटीसी। मस्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब कोई कर्तव्य बताया जा रहा हो, या फिर कोई दबाव वाली बात कही जा रही हो, या फिर कोई आवश्यकता वाली बात कही जा रही हो, वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ कर देते हैं। ओके, मेनली मस्ट कहाँ यूज़ होता है, जैसे आपको ये चीज़ अवश्य करनी चाहिए, मतलब कि नेसेसिटी होती है, मतलब नेसेसिटी होती है, आवश्यकता होती कि नहीं करना ही चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर मस्ट का यूज़ करते हैं। देख लेते हैं, यू मस्ट रीच होम एट वंस, यहाँ पर कंपल्सन बताया जा रहा है कि नहीं, आपको दबाव डालकर बोला जा रहा है कि नहीं, आपको घर अभी पहुँचना चाहिए। अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, ये नेसेसिटी होती है कि कोई एक सर्वेंट होता है, उसको अपने मास्टर की आज्ञा पालन करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, वी मस्ट वर्क हार्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, ये हमारी ड्यूटी होती है, ऑब्लाइजेशन होता है, ओके, हमारी कर्तव्य होता है, तो यहाँ पर मस्ट का यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टू एक्सप्रेस वेरी एम्फैटिक एडवाइस, जब हम जोर देकर किसी को सलाह देते हैं, वहाँ पर भी हम मस्ट का यूज़ कर देते हैं। ओके, देखेंगे एग्जाम्पल पर, सी मस्ट स्पीक द ट्रूथ, उसे अवश्य सत्य बोलना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, दिया गया है टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब निर्धारण, जब कोई चीज़ निर्धारित की जा रही हो, वहाँ पर भी हम यूज़ कर देते हैं मस्ट का, जैसे आई मस्ट विन द स्कॉलरशिप, या यू मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन, आपको बहुत तेज़ दौड़ना चाहिए। ठीक है, अवश्य बहुत तेज़ दौड़ना चाहिए क्योंकि आपको ट्रेन पकड़नी है। ठीक है, तो ट्रेन को पकड़ने के लिए आपको बहुत तेज़ दौड़ना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, कभी कभी हम पॉसिबिलिटी जब शो करते हैं तो भी मस्ट का यूज़ कर देते हैं। ओके, जैसे सी मस्ट हैव रिसीव्ड द इनविटेशन, उसे अवश्य ही इनविटेशन को रिसीव कर लेना चाहिए। द बेबी मस्ट बी फीलिंग हंग्री, मतलब बच्चे को अवश्य भूख अभी लगनी चाहिए। ठीक है, वो फील कर रहा होगा हंग्री। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी और एक्सेप्टेशन, मतलब कि लॉजिकल नेसेसिटी, लॉजिकल मीन्स होता है तार्किक, और नेसेसिटी मीन्स हो गया हमारी आवश्यकता, और एक्सेप्टेशन मीन्स होता है उम्मीद। तो जब हम तार्किक नेसेसिटी, तार्किक जब तर्क लगा करके आवश्यकता को या फिर उम्मीद को दर्शाते हैं, तो भी हम मस्ट का यूज़ कर देते हैं। ओके, देयर मस्ट बी सम रॉन्ग एंट्री समवेयर, यहाँ पर मस्ट का यूज़ किया गया है कि देयर मस्ट बी सम रॉन्ग एंट्री समवेयर, मतलब कहीं पर तो कोई रॉन्ग एंट्री हो गई है। ठीक है, कुछ इफ़ यू आर सिंसियर यू मस्ट अपोलाइज, अगर आप ईमानदारी मतलब ईमानदार हो तो क्या होगे, यू मस्ट अपोलाइज, तो फिर ईमानदारी से मतलब कि माफ़ी मांग सकते हो आप। ठीक है, सिंसियर मीन्स होता है ईमानदार। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट में दिया गया है मस्ट नॉट, आपने पढ़ा मस्ट का यूज़, मस्ट का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर नेसेसिटी हो, मोर नेसेसिटी होती है, ये चीज़ अवश्य ही करना चाहिए। ओके, और मस्ट नॉट का यूज़ वहाँ करते हैं उसका जस्ट अपोजिट होता है, जैसे आपको ये चीज़ करनी ही नहीं चाहिए, अवश्य नहीं करनी चाहिए, आप बोल सकते हो कि प्रोहिबिशन बताया जा रहा हो। ओके, प्रोहिबिशन पर हम यूज़ कर देते हैं मस्ट नॉट का। निगेटिव कमांड दी जा रही हो, ठीक है, इम्फैटिक मतलब जोर डाल करके, तो वहाँ पर भी हम मस्ट नॉट का यूज़ कर देते हैं। जैसे यू मस्ट नॉट स्मोक इन द प्रेजेंस ऑफ योर एल्डर्स, यू मस्ट नॉट, आपको अवश्य स्मोक नहीं करना चाहिए जब आप अपने एल्डर्स के सामने हो। ठीक है, आपके एल्डर्स की उपस्थिति के सामने आपको स्मोक नहीं करनी चाहिए। यू मस्ट नॉट गो अगेंस्ट द विशेस ऑफ योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की विशेस के अगेंस्ट अवश्य नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर प्रोहिबिशन बताया जा रहा है, निगेटिव कमांड भी दिया जा रहा है। ठीक है, मस्ट नॉट एक्सप्रेस प्रोहिबिशन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लाइजेशन, जब कोई कर्तव्य बताया जा रहा हो, वेरी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैनर से बताया जा रहा है, अ सर्वेंट मस्ट नॉट डिसओबे हिज मास्टर, यहाँ पर क्या है, प्रोहिबिशन जस्ट अपोजिट है उसका, मस्ट का जस्ट अपोजिट होता है मस्ट नॉट। यहाँ पर करेंगे अ सर्वेंट मस्टेंट ओबे डिसओबे हिज मास्टर, एक जो सर्वेंट होता है उसको कभी भी अपने मास्टर की जो बातें होती है उसको डिसओबे नहीं करने चाहिए, मतलब उसकी आज्ञा का पालन हमेशा करनी चाहिए। फिर मस्ट नॉट एक्सप्रेस प्रोहिबिशन ऑफ नेसेसिटी, कोई ज़रूरत बताई जा रही है उसमें भी निषेध बताता है, मतलब कि निगेटिव बताएगा उसका मेनली। ठीक है, यू मस्ट नॉट एंटर माई हाउस अगेन, फिर कैंडिडेट मस्ट नॉट या फिर मस्ट एंटी राइट दियर नेम और एड्रेस एनी वेयर इन द आंसर बुक। ठीक है,
यहाँ पर कैंडिडेट जो होते हैं उनको कह रहा है कि मस्ट नॉट राइट दियर नेम और एड्रेस, उनको अपने नेम और एड्रेस को आंसर बुक पर कहीं भी नहीं लिखना चाहिए, ठीक। ये निषेध बताया जा रहा है, वहाँ पर मस्ट नॉट का यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा नीड। नीड मीन्स क्या होता है? ज़रूरत। तो सिंपल सा है, ये ज़रूरत बताएगा तो ठीक है। ये हमारा जो नीड वर्ब होती है ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होती है और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज़ होती है। देखेंगे एज अ प्रिंसिपल वर्ब नीड मीन्स होता है इन स्टैंड इन नीड ऑफ, मतलब कि टू स्टैंड इन नीड ऑफ, मतलब कि यहाँ पर ज़रूरत के लिए ये प्रिंसिपल वर्ब में काम करता है। और रिक्वायर या फिर कोई चीज़ ज़रूरत है, मतलब रखना है उसको, प्राप्त करना है। इट हैज़ देन द फॉर्म्स नीड नीडेड नीडेड, मतलब कि यहाँ पर फिर हम इसका फॉर्म भी बना सकते हैं। अगर हम प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं, मतलब मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं, तो इसका हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं। अगर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो इसका फॉर्म नहीं चेंज करेंगे। जैसे दिया गया सी नीड्स मनी, उसको पैसे की ज़रूरत है, यहाँ पर नीड्स क्या है, एस लगा दिया हमने, यहाँ पर मेन वर्ब है ये। नीडेड मनी यहाँ पर भी मेन वर्ब है। यहाँ पर ही नीड्स टू गो देयर, यहाँ पर भी ये हमारी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज़ हुई है। फिर एज अ डिफेक्टिव वर्ब इट एम्प्लाइज नेसेसिटी और ऑब्लाइजेशन, इट इज़ यूज्ड ओनली इन द प्रेजेंट टेंस, ये केवल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ओके और ये डिफेक्टिव वर्ब कुल मिला के दोषपूर्ण क्रिया को बताता है, ठीक है। और ये क्या करता है, नेसेसिटी बताएगा, ऑब्लाइजेशन बताएगा। इट इज़ यूज्ड इन ओनली प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में ओनली ये यूज़ होता है। जैसे नीड आई गो देयर, नीड यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, नीड आई गो देयर। नेक्स्ट देखेंगे नीड नॉट, जहाँ पर आपने मस्ट का यूज़ किया उसके जस्ट अपोजिट मस्ट नॉट का करते हैं, और जहाँ पर हम नीड का यूज़ करते हैं उसका जस्ट अपोजिट हो तो हम नीड नॉट का यूज़ कर देते हैं। ऐसे देखेंगे नीड नॉट इम्प्लाइज अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी और ऑब्लाइजेशन, जहाँ पर कर्तव्य और ज़रूरत की अब्सेंस हो, अनुपस्थित हो, तो वहाँ पर हम करते हैं नीड नॉट का यूज़। जैसे यू नीड नॉट गो देयर, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ही विल कम सून, ही विल कम हेयर सून, वो जल्द ही यहाँ आने वाला है या आ रहा होगा, ठीक है। ही विल कम सून हेयर सून, मतलब कि वो जल्द ही यहाँ आ रहा होगा या आएगा। नेक्स्ट में देखेंगे नीड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म एक्सप्रेस अ यूजलेस एक्शन दैट वाज डन इन द पास्ट। ये नीड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या शो करता है, एक यूजलेस एक्शन जो कि पास्ट में किया गया, मतलब किया गया था, ठीक है। बट देयर वॉज नो नीड ऑफ डूइंग इट, लेकिन उसको अभी करने की ज़रूरत नहीं है, उस एक्शन को भी शो करने के लिए हम नीड नॉट का यूज़ कर देते हैं। मेनली आपको ये देखना है कि जहाँ पर आवश्यकता हो तो वहाँ पर नीड, ज़रूरत होता है नीड मीन्स, जहाँ पर ज़रूरत या आवश्यकता बताई जाए वहाँ पर नीड का यूज़ करते हैं। जस्ट इसका अपोजिट आ जाता है तो नीड नॉट का यूज़ कर देते हैं। यू नीड नॉट हैव बॉट अ न्यू बुक एज आई हैड टू कॉपीज विद मी, मेरे पास दो कॉपी ऑलरेडी हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक नई बुक खरीदो। नेक्स्ट देखेंगे डेयर, डेयर मीन्स होता है साहस, ठीक है। तो यहाँ पर भी दिया भी गया एज ए प्रिंसिपल वर्ब डेयर मीन्स होता है चैलेंज, चैलेंज किसी भी चीज़ का चैलेंज, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं एडवेंचर, साहस। एंड एडमिट ऑफ फॉर्म्स डेयर डेयर्स डेयर्ड, मतलब कि इसका जब हम उस तरह मेन वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो इसकी फॉर्म भी हम कर सकते हैं डेयर या डेयर्ड। जैसे सी डेयर्स टू गो इनटू द डार्क, मतलब कि वो साहस रखती है अंधेरे में जाने का। फिर सी डेयर टू गो इनटू द डार्क, मतलब वो साहस रखती थी कहाँ जाने में, अंधेरे में जाने का साहस रखती थी। सी डिड नॉट डेयर टू ओपन हर माउथ, उसको साहस नहीं है, वह साहस नहीं रखती कि वो अपना मुंह खोल सके। ओके तो यहाँ पर डिड नॉट डेयर, यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में तीनों वर्ब यूज़ हुई हैं। ओके यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुई हैं, नीचे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज़ हो जाती हैं। डेयर और नीड हमारा ऐसी वर्ब होता है जो मेन वर्ब के रूप में भी यूज होती है और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज़ होती हैं। एज ए डिफेक्टिव वर्ब मीन्स टू टेक करेज, करेज मतलब साहस, ठीक है। या फिर वेंचर, वेंचर मीन्स भी साहस होता है। एंड इट एडमिट्स ऑफ डेयर रस्ट, डेयर रस्ट इट यूज्ड ओनली इन द निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर जो डिफेक्टिव वर्ब के रूप में यूज़ होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो इसको हम केवल निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर करते हैं, वहाँ पर ओनली किस में यूज़ करते हैं, सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। यहाँ दिया गया ही वुड नॉट डेयर टू ब्रेक हिज प्रॉमिस,
अब यहाँ पर दिया गया है, सॉरी ये हमारा यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में था, ओके। फिर यहाँ पर ये दिया गया है मेन वर्ब के रूप में, जैसे जैसे हाउ डिड यू डेयर टू से दिस, मतलब कि आपने कैसा साहस किया इसको कहने का, या फिर आई डेयर नॉट अपोज हिम, ठीक। वी ही वुड नॉट डेयर टू ब्रेक हिज प्रॉमिस, उसने अपना प्रॉमिस तोड़ने का साहस नहीं किया, ठीक है, उसको अपना प्रॉमिस तोड़ने का साहस नहीं हुआ। रिमेंबर डेयर नीड व्हेन यूज्ड एज अ मेन वर्ब आर फॉलोड बाय प्लस टू इन्फिनिटिव, जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ होती हैं तो ये क्या करती हैं, ये हमारी वर्ब रखती हैं। जैसे आप यहाँ पर यूज़ कर लो, नेक्स्ट है हमारी डेयर। डेयर का यूज़ हम कहाँ करेंगे, डेयर भी हमारी एक ऐसी वर्ब होती है जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब यानी मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका मीन्स होता है चैलेंज। यहाँ पर दिया गया सी डेयर्स टू गो टू इनटू द डार्क, यहाँ पर ये जो डेयर है ये यूज़ हुआ है मेन वर्ब के रूप में, ओके। डेयर्ड यूज़ हुआ है, ये भी हमारा मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, ठीक। सी डिड नॉट डेयर टू ओपन हर माउथ, अब यहाँ पर देख सकते हैं एज अ डिफेक्टिव वर्ब इट मीन्स टू टेक करेस, इसका मीन्स जब ये डिफेक्टिव वर्ब के रूप में यूज़ होता है दोषपूर्ण क्रिया के रूप में, तो यहाँ पर टेक करेस मतलब कि साहस लेना, या फिर वेंचर, वेंचर मीन्स भी साहस होता है। एंड इट एडमिट्स ऑफ डर्स्ट, इट इज़ यूज ओनली इन द निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको सिंपल सा याद रखना है, जहाँ पर कोई साहस वाली बात कही जा रही है तो वहाँ पर हम डेयर का यूज़ कर देते हैं, ओके। और ये दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर दिया गया आई डेयर नॉट अपोज हिम, यहाँ पर डेयर यूज़ हुआ है आई के बाद और फिर नॉट आया है, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं हाउ डिड यू डेयर टू से दिस, आपने ऐसा कहने का साहस क्यों किया, तो यहाँ पर डेयर क्या है, यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, ओके। यहाँ पर भी हमारा मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, तो ये हमारा मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ हो जाता है डेयर, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हो जाता है। मेन इसका यूज़ होता है जब हम कोई करेज की बात कर रहे होते हैं, साहस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। रिमेंबर देखो एक चीज़ दी गई है, डेयर एंड नीड व्हेन यूज्ड एज मेन वर्ब्स आर फॉलोड बाई टू प्लस इन्फिनिटिव, जब भी ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ होंगे तो ये टू प्लस इन्फिनिटिव फॉलो करेंगे, मतलब ये रखेंगे। आप देख सकते हो जहाँ पर भी टू प्लस इन्फिनिटिव यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर और यहाँ पर, इसके बाद ये बट यहाँ पर नहीं दिया गया, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुआ, बाकी सारा मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम ऑट टू। देखिए जो हमारा शुड होता है, शुड मीन्स भी चाहिए होता है, मस्ट मीन्स भी चाहिए होता है, और ऑट टू मीन्स भी चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो ऑट टू होता है उस शुड का यूज़ करते हैं जब ड्यूटी और ऑब्लाइजेशन बताते हैं, ऑट टू का यूज़ कहाँ करेंगे जब मोरल ड्यूटी बताते हैं, ओके। मोरल एंड सोशल ऑब्लाइजेशन होता है तो वहाँ पर हम मोरल ड्यूटी हो या फिर सोशल ऑब्लाइजेशन हो, मोरल ऑब्लाइजेशन हो मतलब मोरल ड्यूटी हो, तो उसमें हम कर देते हैं ऑट टू का यूज़। नॉर्मली ड्यूटी बताते हैं तो वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं, जब ये चीज़ अवश्य ही करनी चाहिए, ठीक है, नेसेसिटी आ जाती है तो वहाँ पर मस्ट का यूज़ कर देते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने एल्डर्स का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो यहाँ पर ऑट टू का यूज़ का मीन्स होता है चाहिए, तीनों का मीन्स होता है चाहिए, और तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। शुड मीन्स ड्यूटी, ऑट टू मीन्स मोरल ड्यूटी बोल सकते हो आप, मतलब कि नैतिकता, ठीक है, जो हमारी नैतिकता होती है, नैतिक कर्तव्य होते हैं। और मस्ट का यूज़ वहाँ करते हैं जब हमें ये चीज़ अवश्य ही करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑट टू प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म एक्सप्रेस सम ड्यूटी ऑब्लाइजेशन दैट वाज नॉट परफॉर्म्ड, ये जब हम ought to have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से कोई सेंटेंस राइट करते हैं तो वहाँ पर ड्यूटी और ऑब्लाइजेशन के बारे में बताते हैं, डेट वॉज नॉट परफॉर्म्ड, जो परफॉर्म नहीं की गई। यू ought नॉट टू हैव डन सच अ स्टूपिड थिंग्स, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिस पर हम ought to का यूज़ कर सकते हैं, जैसे यू ought to win a scholarship, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता प्रोबेबिलिटी बता रही है कि मतलब कि आपको जीतना चाहिए स्कॉलरशिप, ठीक है, शायद जीत जाएगा। फिर ही ought to have helped his brother, मतलब उसे अपने ब्रदर की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मोरल ऑब्लाइजेशन इन द पास्ट, पास्ट में मोरल ऑब्लाइजेशन बताया जा रहा है। फिर यू ought not to have disobeyed your boss, यहाँ पर सोशल ऑब्लाइजेशन बताया जा रहा है कि मतलब आपको अपने बॉस
की जो बातें हैं ठीक है उसको मानना चाहिए, उसकी बातों को डिसोबे नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसकी अनुमति मानना चाहिए। अब नेक्स्ट में हमारा ये यूज़ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये सारे यूज़ कवर किए हैं, तो आप एक बार फिर से रिवर्स देख लीजिएगा आप और अपनी बुक से स्टडी कर लेंगे, ठीक। सारे यूज़ आपको अच्छे से देख लेने हैं और इसके बाद आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें मेन मेन जो यूज़ होते हैं इनके उसमें आपको पता चल जाएंगे। तो पहले आप ये वाला वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप उस वीडियो को देखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।